हेलो गाइज, तो आज हम बात करने वाले हैं जो है कि फ्लिपकार्ट पे एप्पल डेज जो चल रहे हैं उसके बारे में। तो इसमें आपको फर्स्ट पेज पे मेंशन होगा आईफोन 12 जो कि 73,900 में मिल रहा है। बट इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये है कि आपके पास HDFC का कार्ड होना चाहिए, उस कार्ड पे आपको 6,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद आपको ये 73,000 का पड़ेगा। उसके बाद जो अगली डील की बात करें आईफोन 12 मिनी है वो आपको 60,900 रुपये का पड़ रहा है। कंडीशन सेम इसमें भी वही अप्लाई होती है। और आईफोन 12 प्रो मैक्स की बात करें तो ये 124,900 रुपये का पड़ेगा। अब आईफोन 12 प्रो मैक्स में भी आपको 5,000 का डिस्काउंट मिलता है इंस्टेंट जो है। और आईफोन 11 की बात करें तो ये 50,000 का भी आपको पड़ेगा, जो कि इससे पहले वाली सेल में 49 का पड़ा था और उससे पहले वाली सेल में 48 का पड़ा था। तो ये 1,000 से अप करते हुए जा रहे हैं। तो ये है, और आईफोन XR लेना चाहते हैं तो वो 37,999 का पड़ जाएगा। इस पर भी आपको HDFC का कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। जो आईफोन 11 की डील है उसके लिए आपको कोई भी कार्ड यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद हम अगली डील की बात करें तो आईफोन SE की आती है जो कि आपको 28,999 का पड़ जाता है। इसमें भी आपको HDFC का कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, जिस पर आपको 4,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और अगली डील की बात करें तो आईफोन 11 प्रो जो कि आपको लेना नहीं है, वो 80,000 का पड़ेगा, जो कि अभी लेना कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि यार 5G आने वाला है और उसमें 5G भी नहीं है और आप किसी 4G फ़ोन में 80,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जिन फ़ोनों के मैंने नाम लिए हैं इनमें से आप कुछ फ़ोन के लिए जा सकते हैं, जैसे आईफोन 11 के लिए जा सकते हैं, आईफोन 12 के लिए जा सकते हैं अगर आपके पास HDFC का कार्ड है। बाकी यही कुछ डील्स हैं और अमेज़ॉन पे कुछ खास डील्स हैं नहीं, आईफोन मिनी की डील है ओनली, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे लाइक करके और कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।